चिंटू ने एक सुबह उसकी तारीफ की तो मूड बन गया और दूसरे सुबह उसकी शिकायत की तो मूड बिगड़ गया। अक्सर हम लोग अपने ज़िंदगी में देखते क्या हैं, जो इंसान की जो ज़िंदगी की जो चाबी होती है दूसरे के हाथ में, जब कोई चाहे अपने हिसाब से अपने मन से अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। अच्छा, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा। चिंटू और पिंटू करके दो दोस्त थे। चिंटू ने सुबह सुबह पिंटू को फ़ोन किया और पिंटू की बहुत सारी तारीफ की, तू मेरा पक्का यार है, तू मेरा लंगोटिया यार है, तुमने मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी मदद की है, तुम्हारे रहने से मेरी ज़िंदगी है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुमने समय समय पर मेरा हौसला भी बढ़ाया है और जिंदगी की राह भी सिखाया। तो इससे क्या होगा, पिंटू जब सुबह सुबह फ़ोन आएगा तो पिंटू का मन खुश होगा और स्वाभाविक है उसका दिन बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि सुबह सुबह किसी ने उसकी बहुत सारी तारीफ की है। तो एक सिचुएशन ये हुआ। आज इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा पलटते हैं। वहीं फिर चिंटू ने पिंटू को दूसरे सुबह फ़ोन किया अगले दिन और पिंटू को बहुत सारा गाली दिया, तो बदमाश है, बेवकूफ़ है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे रहने से मेरे ज़िंदगी गलत ट्रैक पर चल रहा है। जे अब इससे क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, पहला सिचुएशन ये था जिसमें तारीफ होने से इंसान खुश होता है, और दूसरा सिचुएशन क्या था, अगर सुबह सुबह नकारात्मक बातें होगी, बहुत सारी बुरी बातें होगी तुम्हारे बारे में, किसी ने बहुत सारा गलत सलत बातें कहा, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, स्वाभाविक है निराशा होगी, मन दुखी होगा और तुम्हारा दिन बिगड़ जाएगा। अब इससे क्या होता है, जे चिंटू का चाबी जो है पिंटू के हाथ में। इस डेमो से हमने क्या सीखा, जे चिंटू जब चाहे पिंटू को डिस्टर्ब कर सकता है, चिंटू जब चाहे पिंटू के गाड़ी के जो चाबी है उसको स्टार्ट कर सकता है, और परिणाम क्या होगा, पिंटू का जो लाइफ है, पिंटू का जो ज़िंदगी है, पिंटू का जो दिन है वो बिगड़ जाएगा। बिगाड़ने वाला कौन था, चिंटू। चिंटू ने एक सुबह उसकी तारीफ की तो मूड बन गया और दूसरे सुबह उसकी शिकायत की तो मूड बिगड़ गया। इसको थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल में क्या आ सकता है, जैसे किसी ने तुम्हारी सुबह सुबह बहुत तारीफ की, अधिकांश हम लोग अपने फैमिली में देखते क्या है, बहुत लोगों का मूड बनता है बिगड़ता है, तो उसके पीछे पूछा जाता है आज आपका मूड क्यों बिगड़ा हुआ, तो उसका कहना एक ही है, पता नहीं यार घर में झगड़ा हो गया, अड़ोसी से पड़ोसी से चाहे बीवी से किसी से भी झगड़ा हो सकता है। तो झगड़ा का मतलब क्या है, बहुत सारी बातें होती है, यानी किसी ने तुमको बहुत सारा गाली दिया, तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें की, तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बोला, और इससे होता क्या है, जो इंसान अपने ऊपर थोड़ा हावी हो जाता है, अपने ऊपर ले लेता है, और क्या होता है उसका दिन बिगड़ जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी ने तुमको बहुत सारा गाली दिया, उसकी गाली को सुनो, कोई भी कैसेट होगा तो उसका एक लिमिट समय तो होगा ना, उस लिमिट समय तक उस कैसेट को हम सुनेंगे, यानी उसकी गाली को सुनेंगे, कभी ना कभी तो उसका कैसेट खत्म होगा। अच्छा, जैसे ही कैसेट खत्म हो तो उसको हम एक बात क्या कहेंगे, भैया आपने जो मुझे दिया था शब्द रूपी गाली, शब्द रूपी सामान, मैं वो नहीं लूँगा, ये आप अपना वापस ले लीजिए। और वापस ले लीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गाली था जिसको दिया गया था उसके पास तो नहीं रहेगा ना। जनरली हम आप लोग सोसाइटी में क्या देखते हैं, जो अगर कोई किसी ने तुमको कोई सामान दिया, अगर हम वो सामान नहीं ले तो सामान किसके पास रहेगा, जो देने वाला था उसी के पास रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी तुमको कोई गाली दे, जब भी तुम्हारे बारे में कोई बला बुरा गया, तो चुपचाप सुन लो और लास्ट में उसको बोल दो, भैया आप अपना सामान है, आप अपना सामान वापस लीजिए, मैं ये नहीं लूँगा, तुम अपने उसके चलते हम अपना मूड क्यों बिगाड़ें, उसके चलते हम अपना दिन क्यों बिगाड़ें, दिन क्यों खराब करें, अपना मूड क्यों बिगाड़ें, अपना बीपी क्यों बढ़ाएं। तो ये क्या था, कभी कभी जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो देखते हैं जो बच्चे का मूड ऑन ऑफ है, लेकिन जनरली हम लोग अपना देखते हैं, आजकल यंग जनरेशन में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या क्या देखने को मिला है आजकल रिलेशनशिप को लेकर, किसी ने किसी को मैसेज किया, एग्जांपल के रूप लेते हैं, किसी हैंडसम ने किसी ब्यूटीफुल को मैसेज किया सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, और स्वाभाविक है सिर्फ गुड मॉर्निंग तो होगा नहीं, गुड मॉर्निंग के बाद एक दो बातें भी होंगी, फिर उधर से ब्यूटीफुल का जवाब आता है, सुबह सुबह मेरा मूड मत बिगाड़ो, चुपचाप रहो, इरिटेट मुझे मत करो, तुम्हारे शब्दों से मुझे इरिटेशन होता है। अब जो हैंडसम थे उनका मूड बिगड़ गया, उनका दिन बिगड़ गया, बिगाड़ने वाला कौन था, अब बिगाड़ने वाला जो ब्यूटीफुल थी उसके चलते हैंडसम का जिंदगी पूरा, अब सुबह सुबह बेचारे ने ये सोचकर अपने बेबी को मैसेज किया था जे मेरा दिन बनेगा, स्वाभाविक है, लेकिन बेबी के चक्कर में बेबी का तो मूड पता नहीं खराब है कि नहीं है, लेकिन इधर बेबा का तो मूड खराब हो गया,
बेबी ने कहा जो मेरा मूड मत खराब करो, कोई देखने तो नहीं गया बेबी का मूड खराब है कि अच्छा है, लेकिन इधर बेचारे बेबा का मूड खराब हो गया। अब बेचारा बेबा दिन भर टेंशन में है, क्लास में मन नहीं लग रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं ब्रेन जो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, और उसका अपने शरीर पर कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, दिमाग तो कहीं और फंसा हुआ है। परिणाम क्या होता है, उसका पढ़ाई खत्म, और ये दिन प्रतिदिन होते जाता है। तो मेरा इस कहने के पीछे एक ही मकसद क्या है, जो अपनी ज़िंदगी का जो चाबी है किसी दूसरे को मत दो, अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे को खेलने मत दो, अपनी ज़िंदगी को जब चाहे जैसे चाहे जिस तरह चाहे जिस रूप में चाहे तुम्हारा कोई इस्तेमाल ना करे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश क्या है, जो अपना शरीर है, अपनी ज़िंदगी है, अपना ब्रेन है, इस पर तुम्हारा कमांड होना चाहिए, इस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, इस पर किसी और का नहीं होना चाहिए, और जब चाहे जिस रूप में चाहे कोई तुमको इसको डिस्टर्ब ना करे। तो आज से ये अपने आप से वादा करो ये हमारी ज़िंदगी रूपी जो चाबी है इसको हम जब चाहें अपने से स्टार्ट करेंगे, कोई दूसरा इसको स्टार्ट नहीं करेगा, और जब चाहे जिस समय चाहे स्टार्ट कर अपना ताली बजाना वो खेल देखेगा और मैं डिस्टर्ब रहूँगा। जिस तरह खिलौने में जब चाबी स्टार्ट हो जाता है तो लोग अगल बगल वाले पड़ोसी लोग खेल देखते हैं, तुम्हारा खेल कोई दूसरा देखेगा। इस खेल मत बनो, खिलौना मत बनो, और अपनी ज़िंदगी को संवारो, संभालो और आगे की तरफ ले।